Morning children, online classes, subject EVS, class 3rd. तो सिक्स लेसन में देखिए EVS का सिक्स लेसन आप लोग द बर्ड ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों की दुनिया. इसमें हमारे किसके बारे में बताया गया है इस लेसन में? एनिमल्स के बारे में बताया गया है यानी जानवरों के बारे में बताया गया है. वाइल्ड एनिमल्स लीव इन फॉरेस्ट, जंगल में जंगली जानवर रहते हैं. आपके जो ये वाइल्ड एनिमल होते हैं वो कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट यानी जंगल में रहते हैं. दे मेंटेन एन इकोसिस्टम इन द फॉरेस्ट यानी वे जंगल में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रहते हैं. यानी एक इकोसिस्टम मीन्स क्या होता है आपका? पारिस्थितिकी होता है. तो वो क्या कहते हैं? जंगल में एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सराउंडिंग ऑफ इन्वायरमेंट, विभिन्न प्रकार के जानवर पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के परिवेश में रहते हैं. इन्वायरमेंट मीन्स क्या होता है आपका? पर्यावरण. सम लीव ऑन लैंड, सम ऑन ट्रीज एंड सम इन वाटर. कुछ जानवर आपके लैंड यानी ज़मीन में रहते हैं और कुछ ट्री यानी पेड़ पे रहते हैं और कुछ आपके वाटर यानी पानी में रहते हैं. डिफरेंट लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल आर कॉल्ड हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स. जो आपके ये जानवर होते हैं वो डिफरेंट तरह के मतलब विभिन्न प्रकार के प्लेस स्थान में रहते हैं. तो हम उनके इन इस स्थान को क्या कहते हैं? जो हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स क्या होता है? जो उनके रहने का जगह होता है उसे हम क्या कहते हैं? निवास कहते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग ग्रुप्स. उनके आवास के अनुसार पे जानवरों को निम्नलिखित समूहों में डिवाइड किया गया है यानी निम्नलिखित समूहों में बांटा गया है, बांटा जा सकता है. फर्स्ट क्या है? टेरिस्ट्रियल यानी लैंड एनिमल्स. सेकेंड है एक्वेटिक यानी वाटर एनिमल्स. टेरिस्ट्रियल मीन्स क्या होता है आपका? स्थली, स्थली इसमें स्थली जानवर जो आपके लैंड में रहते हैं. और सेकंड में एक्वेटी मीन्स जलीय जानवर, जलीय जानवर या जलीय पशु. तो फर्स्ट आपका क्या है? टेरिस्ट्रियल एंड लैंड एनिमल. एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल एनिमल. भूमि पर रहने वाले जानवरों को स्थली जानवर कहा जाता है. दे बल्क ऑन रन ऑन लैंड. ये गेम ये जो होते हैं चलते हैं, ये क्या करते हैं? ज़मीन पर चलते हैं यानी बल्क मीन्स टहलते हैं और रन यानी दौड़ते हैं. कहाँ पे? भूमि पर. मोस्ट लैंड एनिमल्स हैव फोर लेग्स एंड एट टेल. टेल जो ये आपके एनिमल्स होते हैं तो इनके क्या होते हैं मोस्टली रूप से? फोर पैर. यानी आप लोग देखें जितने आपके एनिमल्स होते हैं उनके फोर लेग्स होते हैं यानी पैर होते हैं और एक क्या होती है उनकी? पूंछ होती है. टेल मीन्स क्या होती है? टेल मीन्स पूंछ होती है. दे आर आल्सो डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी. उन्हें हम निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करते हैं. इनकी जो ये एनिमल्स हैं इनकी अलग अलग कैटेगरी होती हैं. तो फर्स्ट कैटेगरी क्या हो गई आपकी? डोमेस्टिक एनिमल्स यानी आपके घरेलू पशु या पालतू पशु. सम एनिमल्स आर कीप्ड इन हाउसेस आर फार्म हाउसेस फॉर आवर ओन यूज. जो हमारे उपयोगी के लिए कुछ जानवरों को हम घरों और फार्म हाउसों में रखे जाते हैं. ऐसे जानवरों को हम क्या कहते हैं? सच एज आर कार डोमेस्टिक एनिमल. ऐसे जानवरों को हम घरेलू जानवर कहते हैं या पालतू पशु कहते हैं जिसे हम पालते हैं. वी प्रोवाइडेड देम फूड एंड शेल्टर. जो काऊ, बफेलो, हॉर्स, डंकी, डॉग एक्सेट्रा आर सम डोमेस्टिक एनिमल्स. हम उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं. गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, कुत्ता आदि कुछ ये क्या है हमारे? डोमेस्टिक एनिमल है यानी घरेलू जानवर है. नेक्स्ट पेज देखिए आप. वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स में क्या कौन से जीव आते हैं? जो जंगल में रहते हैं. वाइल्ड मीन्स होता है जंगली. एनिमल्स यानी पशु यानी जंगली पशु के बारे में बताया गया है जानवर के. एनिमल दैट लिव इन जंगल्स आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल. एलिफेंट, जिराफ, लायन, टाइगर, रिहाइनोसियस, कंगारू एक्सेट्रा आर वाइल्ड एनिमल्स. जो आपके जानवर जंगल में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? जंगली जानवर कहते हैं. इसमें आपके एलिफेंट यानी हाथी, जिराफ, लायन, टाइगर, कंगारू ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं आपके? वाइल्ड एनिमल्स में आती हैं.
आप लोग भी जंगल जाते होंगे तो वहाँ पे आप एलिफेंट भी देखते हैं, जिराफ भी देखे होंगे, और आपका जो, और ये देखिए ये आपका राइनोसोरस है। देखिए इसके नाक में क्या होती है, एक सींग जमी हुई होती है। तो ये आप लोगों को बहुत कम देखने को मिलता है, ये आप सिर्फ अपने टीवी या मूवी में देखे होंगे, या आप कभी जू गए होंगे वहाँ पे आपको राइनोसोरस दिखा होगा। तो हमारे जो ये वाइल्ड एनिमल्स होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, एक बार और आप रिपीट करिए, एलिफेंट, जिराफ, लायन, टाइगर, राइनोसोरस, कंगारू, एक्सेट्रा, ये सारे जो जीव होते हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। दे लिव इन नेचुरल शेल्टर, वे प्राकृतिक आश्रय में रहते हैं, यानी आपके कहाँ रहते हैं, वो जंगल में। टाइम टू थिंग्स, चीता इज द फास्टेस्ट रनिंग एनिमल्स ऑन अर्थ, इट कैन अटेन ए स्पीड ऑफ 93 किलोमीटर प्रति सो ओनली इन 3 सेकंड्स। जो आपका चीता है वो धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, यह केवल 3 सेकंड में 93 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करता है। और इस साइड देखिए, एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑफ लैंड, जो हाथी है वो सबसे बड़ा, जो हमारे लैंड का यानी भूमि का सबसे बड़ा पशु हम लोग किसे कहते हैं, अपने हाथी को कहते हैं। द एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड प्लेसेस लाइक पोलर बियर, याक, सिल्वर फॉक्स एक्सेट्रा हैव थिक स्किन यूजली कवर्ड विथ फर, दे आल्सो हैव फैट अंडर देयर स्किन, फर एंड फैट कीप देम वार्म। वे जानवर जो ठंडे स्थानों जैसे ध्रुवी, भालू, याक, चांदी, लोमड़ी आदि ये सारी चीज़ें हैं, जो ये सारे जानवर हैं, तो ये सब कहाँ आपके रहते हैं, आपके एनिमल्स, द एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड यानी ठंडे प्लेसेस यानी ठंडी जगह में रहते हैं, पोलर बियर, याक, सिल्वर फॉक्स एक्सेट्रा। तो इनकी जो त्वचा है वो आम तौर पर फर से ढकी हो रहती है, क्योंकि ये ठंडे देशों में रहते हैं इसीलिए इनकी त्वचा फर से ढकी होती है, और उनकी त्वचा के नीचे भी बसा होती है। फर और बसा उन्हें क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ें उनको बार में यानी गर्म रखते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, तो अर्बोरियल एनिमल्स, जो आपके अर्बोरियल एनिमल होते हैं वो उसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, देखिए, एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्री आर कॉल्ड अर्बोरियल एनिमल्स, वे जानवर जो ज़्यादातर पेड़ों में रहते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। सच एज मंकी, जैसे आपका मंकी हो गया, वो आपके कहाँ रहता है, पेड़ पे रहता है। ऑप्सम, फ्लाइंग स्क्वायरल एक्सेट्रा, दे हैव वेल डेवलप्ड ट्रंक एंड बोल्ड हिप गर्डल टू सपोर्ट देयर बॉडी वाइल क्लिम्बिंग, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, और बेलियल जानवर कहते हैं। जैसे इसमें क्या आते हैं, बंदर, अफीम, उड़ने वाली गिलहरी आदि, उन्होंने अपने, ये जानवर क्या करते हैं, अपने शरीर का समर्थन करने के लिए अच्छी तरह से विकसित पंजे और चौड़े कुल्हेस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जो ये क्या बनाते हैं, गर्डल्स बनाते हैं, जो गर्डल्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, अपने पेड़ में आप लोग उनके पैर देखते हैं तो वो अपने पेड़ को में चढ़ाई करते हैं, मतलब पेड़ में चढ़ने के लिए क्या करते हैं, गर्डल्स बनाते हैं। मंकी यूज देयर लॉन्ग टेल टू ग्रिप ब्रांचेस एंड हैंड डाउन टू डाउन फॉर स्विंग, बंदर, मंकी मीन्स क्या होता है, बंदर, बंदर अपनी लंबी पूंछ का इस्तेमाल शाखाओं को पकड़ने और झूला झूलने के लिए करते हैं। फिर नेक्स्ट क्या हुआ आपका, एरियल एनिमल्स, एरियल मीन्स क्या होता है, हवाई जानवर, जो हवा में उड़ते हैं वो जानवर इसके अंतर्गत आते हैं। एनिमल्स दैट लिव मोस्टली इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स,
जो जानवर ज़्यादातर हवा में रहते हैं हैं उन्हें हवाई जानवर कहा जाता है। बर्ड आर एरियल एनिमल्स, जो आपकी बर्ड यानी पक्षी जो है वो आपका हवाई जानवर कहलाता है। दे हैव टू विंग्स इंस्टेड फॉरफ्रंट लिम्ब्स, विंग्स हेल्प देम टू फ्लाई, दे मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन एंड पुश्ड देमसेल्व्स थ्रू द एयर, दे यूज देयर टू लेग्स एंड से ऑन टू सिट ऑन ए ट्री, दे आल्सो यूज देम टू वॉक एंड होप ऑन द ग्राउंड, बोन्स ऑफ बर्ड आर होलो सो वेट ऑफ देयर बॉडी इज लाइट। जो जानवर ज़्यादातर हवा में रहते हैं उन्हें हम हवाई जानवर कहते हैं। पक्षी हवाई जानवर है, सामने के अंगों के बजाय उनके दो पंख होते हैं। पंख उड़ने में उन्हें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं यानी मदद करते हैं। वे अपने पंखों को ऊपर और नीचे ले जाते हैं और हवा के माध्यम से खुद को क्या करते हैं, धक्का देते हैं। वे एक पेड़ पर बैठने के लिए अपने दोनों पैरों और पंजों का इस्तेमाल करते हैं। वे ज़मीन पर चलने और हॉप करने के लिए भी उनका उपयोग करते हैं। पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं, होलो होती हैं। होलो मीन्स क्या होता है, खोखला होता है। तो पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, इसलिए उनके शरीर का वजन कैसे होता है, लाइट यानी हल्का होता है। देखिए इसमें कौन कौन से एरियल में एनिमल्स आते हैं, ईगल वल्चर एंड काइट फ्लाई वेरी हाई। जो ईगल गिद्ध और पतंग बहुत ऊंची उड़ान भरते हैं। पिकॉक हेन एंड कॉक फ्लाई वेरी स्लो। मोर मुर्गी और जो आपका मोर होता है और मुर्गी और जो मुर्गा होता है ये क्या होते हैं, ये वेरी लो यानी बहुत कम उड़ते हैं। ऑल बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एमू एंड पेगुइन डू नॉट फ्लाई। जो आपका ऑस्ट्रिच होता है और पेगुइन होता है एमू, ये जो फ्लाई होते आपके ये जो बर्ड होते हैं तो ये नॉट फ्लाई यानी ये पक्षी नहीं उड़ते हैं। तो अगर कभी आपसे पूछा जाता कि ना उड़ने वाले पक्षियों के नाम बताइए तो कौन कौन आता है इसमें, ऑस्ट्रिच पेगुइन एमिंग और हमिंग बर्ड। द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट रनिंग बर्ड। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाला पक्षी है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया कि जो शुतुरमुर्ग होता है वो सबसे बड़ा और सबसे तेज चलने वाला पक्षी है, आपका बर्ड है। नेक्स्ट पेज देखिए, एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल मीन्स जली जानवर। जो जानवर हमारे कहाँ रहते हैं, आपके जल में रहते हैं। तो एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स। पानी में रहने वाले जानवरों को हम जली जानवर कहते हैं। वाटर एनिमल्स हैव फिन्स वेब्ड फीट एंड पैडल लाइक लिम्स। पानी के जानवरों के पंख वेब पैर और पैडल जैसे अंग होते हैं। फिश स्विम विथ द हेल्प ऑफ फिन्स। जो आपकी फिश होती है वो फिन की सहायता से, जो आपकी फिश होती है यानी मछली होते हैं वो आपकी पंख की मदद से तैरती है। मेंढक पैर की उंगलियों के साथ, जो मेंढक होता है वो उसके पैर की जो उंगली होती है वो उसके साथ, और जब वे ज़मीन पर रहते हैं तो वे हॉप करने के लिए हित पैरों का उपयोग करते हैं। जो आपका टोर्टोइज होता है, टोर्टोइज पानी को क्या पुश करने के लिए यानी उसको धक्का देने के लिए उसके चार पैडल जैसे अंगों का उपयोग करते हैं। पेगुइन यूज टू फॉर लिम्स एंड फिल्पर्स टू पुश वाटर बैक वर्ड। एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर गिल्स। जो आपका पेगुइन होता है वो अपना जो पेगुइन जो होते हैं वो पानी को पीछे धकेलने के लिए फ्लीपर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फ्लीपर्स कहते हैं। जो जलीय जानवर है वो अपने गलफड़ों से पानी में सांस लेते हैं। जो आपके एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, अपने गिल्स यानी गलफड़ों से लेते हैं। तो आपके एक्वेटिक एनिमल्स कौन कौन से हो गए, फिश टूटल डॉल्फिन फ्रॉग एम्फीविया। एम्फीविया मीन्स क्या होता है, उभयचर।
सम एनिमल लिव इन वाटर एज वेल एज ऑन लैंड. दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. टूटल क्रोकोडाइल्स फ्रॉग एक्सेट्रा आर एम्फीबियंस. कुछ जानवर पानी के साथ साथ जमीन पर भी रहते हैं, उन्हें हम उभयचर कहा जाता है. कछुआ, मगरमच्छ, मेढक आदि ये उभयचर कहलाते. उभयचर मीन्स जो जल और थल दोनों में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं, यानी उभयचर कहते हैं. देखिए कौन कौन से उभयचर में आते हैं आपके, टूटल ऑन द लैंड, क्रोकोडाइल ऑन लैंड, फ्रॉग. और ये टूटल देखिए दो तरह के टूटल होते हैं, एक आपके लैंड में रहते हैं, एक वाटर में रहते हैं. क्रोकोडाइल को भी देखिए, ये भी वाटर में रहता है और लैंड में भी रहता है. फ्रॉग भी जो है आपके वाटर में भी रहता है और लैंड में रहता है. नेक्स्ट पेज देखिए. एक्सटिंक्ट ब्लू एक्सटिंक्ट एनिमल्स, यानी एक्सटिंक्ट के मीन्स क्या होता है, जो विलुप्त एनिमल होते हैं, जो जानवर हमारे क्या हो गए, हमारे यहाँ से विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी कम होते जा रहे हैं, एक भी नहीं है, उन जानवरों के बारे में इसमें बताया गया है. एनिमल्स दैट आर फिनिश्ड एंड डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स. दे कुड नॉट एडॉप्ट देयर सराउंडिंग अकॉर्डिंग टू चेंज इन द क्लाइमेट. जानवर जो खत्म हो चुके हैं और अब मौजूद नहीं है, विलुप्त जानवर कहा जाता है इन्हें. वे जलवायु में परिवर्तन के अनुसार अपने परिवेश को अनुकूलित नहीं कर सकते थे. डायनासोर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ एनिमल्स. डायनासोर इस प्रकार के जानवरों का एग्जाम्पल है. जो आपका डायनासोर है वो क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी वो आपका विलुप्त हो चुका, क्योंकि वो अपने आप को यहाँ के जलवायु, जो आपका ये जलवायु था और परिवेश था उसके अनुसार अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पा रहे थे. नेक्स्ट पेज देखिए. टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट एनिमल. तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, चीता. विच इज़ द टैलेस्ट एनिमल्स ऑन द लैंड, जिराफ. द ऑस्ट्रिच इन द बोथ ए एंड बी हो जाएगा. एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ थ्रू गिल्स, डायनासोर इन एन, इसका सी आंसर हो जाएगा. राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट क्या है, नेचुरल लिविंग प्लेस ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हैबिटेट, ट्रू हो जाएगा. डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन नेचुरल शेल्टर, ये आपका फॉल्स है. पोलर बियर हैज एंड अंडर इट्स स्किन, ये आपका फॉल्स है. एम्फीबियंस लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड एज वेल, ये आपका ट्रू है. एरियल एनिमल्स लिव ऑन ट्री, ये आपका फॉल्स है. फिल इन द ब्लैंक्स देखिए. फर्स्ट में क्या हो जाएगा, चीता. सेकंड में जिराफ. थर्ड में फैट. और फोर में पिगनिन्स हो जाएगा. और फाइव में क्रोकोडाइल. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देखिए. नेम फोर वाइल्ड एनिमल्स के नाम बताने हमें, तो लायन, एलिफेंट, बियर एंड जिब्रा. नेम फोर एनिमल्स ऑफ कोल्ड रीजन्स में बताना, पोलर बियर, पिगनिन, याक एंड सिल्वर फॉक्स. नेम द बर्ड विच कैन नॉट फ्लाई, हमें बर्ड यानी चिड़ियों के नाम बताने, पक्षियों के जो नहीं उड़ पाते, तो ऑस्ट्रिच, केबी, पिगनिन एंड एमू. हाउ डज व्हेल ब्रीथ, तो व्हेल ब्रीथ थ्रू ब्लो होल्स लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड. फिफ्थ नंबर देखिए आप. विच इज ए फास्टेड एनिमल, तो चीता इज द फास्टेड एनिमल. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट नंबर देखिए आप. विच आर टेरिस्ट्रियल एनिमल्स, द एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड आर कॉल्ड टेरिस्ट्रियल एनिमल्स. विच आर एरबोरियल एनिमल्स, द एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन द ट्री आर कॉल्ड एरबोरियल एनिमल्स. विच आर वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. विच आर एरियल एनिमल्स, एनिमल्स दैट लिव मोस्टली इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. विच आर एम्फीबियंस, एम्फीबियंस दैट सॉरी एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड एज वेल एज इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस. ये देखिए आपका हार्ड क्वेश्चन में.
हाउ डू एनिमल लिविंग इन कोल्ड रीजन सर्वाइव ड्यूरिंग मीन क्लीमेट कंडीशन. एनिमल्स दैट लिव इन कोल्ड रीजन्स हैव फर ऑन देयर बॉडी एंड फैट अंडर स्किन टू कीप देम सेल्फ्स. ये आपका आज का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं. ये लेसन आज आपका कंप्लीट है. नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे. थैंक यू.